भाग निकलने के बाद ऐसे फूल बरसाते हैं और अपने राम सीता माता का स्वागत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमित रावत ब्लॉग। तो आज है कलश यात्रा, तो मम्मी भी जा रही है कलश यात्रा में, और हर बार जाते हैं और साल में एक बार आता है। तो हमारी यहाँ कलश तैयार हो गई है और मम्मी भी तैयार हो गई है, और मम्मी के साथ के और भी हैं जो नीचे वेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, मम्मी ने उठा ली है और मम्मी कुछ ऐसे तैयार हो रखी है गुलाबंद पहन के, और ये पूरा ड्रेसअप है। चलो ठीक है। तो ये कलश यात्रा की तैयारी हो रही है। और कलश यात्रा में नंबर लग रहे हैं। तो यहाँ पे कलश नंबर लगा रहे हैं, जो कि हमें वहाँ पे दिखाना होता है। एक कलश में लगा रहे हैं और एक हम अपने जेब में रख रहे हैं। तो सबने अपने यहाँ पे कलश में नंबर लगा दिए हैं और कुछ लगा रहे हैं। फिर चलते हैं यहाँ से। हाँ आप सही है, आप लो फोटो। बोलो बोलो, जय जय जय। दरबार की जय। दोस्तों यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ मंदिर, तो वहीं जाते हैं और वहीं पे कलश को रखते हैं और वहीं करते हैं पूजा। नारायण हरि हरि यहाँ पे तो 10-12 जने हैं कीर्तन मंडली के, और जो कलश यात्रा कर रहे हैं। और अभी आप देखोगे बद्रीनाथ में तो कम से कम 500 से भी ऊपर लोग आए हुए हैं। तो चलो चलते हैं और नज़दीकी आ गए हैं। यहाँ पे जो बद्रीनाथ मंदिर है वो मंगलम के पास है, तो ये मंगलम स्कूल है इस साइड, और अब हमारा इस साइड है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे देख स्वागतम श्री राम कथा 18वीं धार्मिक महायोजना 21 दिसंबर से शुरू हुई है और ये 29 दिसंबर तक रहेगी। तो यहाँ पे आके आप सुन सकते हो श्री राम कथा। हेलो हेलो, ये सभी बहनों से जो कलश में आई हुई हैं, मंडली की हो चाहे अभी टाउन मंडली से आए हुए हैं, जिनके कलश में अभी टोकन नंबर नहीं मिला है, यात्रा के बाद मेरे से संपर्क करें। जिनका टोकन नहीं है वो एक तरफ अपना कलश पहले ही रखेंगी, जब ये लोग रख देंगे फिर आप यहाँ पे रहिए, आपको एक करके टोकन दूंगा सीरियल वाइज। तो इसका ध्यान रखें विशेष, जो भी बहने बिना नंबर के आ रही है कृपया वो
यात्रा के बाद मेरे से मिलने, अपना कलश अपने पास रख के, ताकि हम स्टिकर भी लगा दें उसपे और आपका नंबर भी दे दें। धन्यवाद सभी कीर्तन मणि बरभद्र विशाल भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से चला जय श्री राम। जय श्री राम। कीर्तन मंडली की अध्यक्ष बहन सभी सुन ले बातें न करें। ये आपने उधर क्यों मुंह रखा है, सभी इनका मुंह करिए। आपके लिए देखें कितनी अच्छी व्यवस्था करके श्री राम जी के द्वारा। करने के लिए अनेकों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, हुतात्माएं राम कोठारी शरद कोठारी जैसे बंदों ने अपना जीवन इस पर न्योछावर कर दिया, उस प्रतीक्षा को पूरा किया। इस भारत माँ के लाल आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जरा जोरदार ताली बजाइए पूज्य प्रधानमंत्री जी के लिए। और यह ताली आपको प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने के लिए जोर से ताली बजाइए, साथ उत्साह से बजाइए। ये प्रधानमंत्री जी के लिए ताली है कि हम सनातनियों का सपना साकार हुआ, नरेंद्र मोदी की जय जयकार हुई। तो अब हमारे इस उत्साह को कई गुना करने के लिए हमारे बीच में जहां अन्य भी सभी आप सभी लोग आए हैं इस क्षेत्र की सभी, और मुझे तो प्रसन्नता हो रही है ढोंडियाल जी कि राम लला का स्वागत इस समय हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो बच्चे हैं वो कलश लेके आई है। ये 17 साल में हो रहा है, ये राम जी की कृपा है कि छोटी उम्र की जो हमारी बालिकाएं हैं वो भी इस बार कलश लेके आई है, नई बहुएं कलश लेके आई है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अब आपके उत्साह को फिर आगे बढ़ाने के लिए हम सबका जो भारत माँ की सीमाओं पर सियाचिन ग्लेशियर जैसे स्थानों पर, दुर्गम रेगिस्तान पर, हिमालय उत्तराखंड की चोटियों पर, नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम क्षेत्रों में जो भारत माँ की सीमा की रखवाली कर रहे हैं, आज हमारे बीच में बैंड की धुनों में राम लला को मनाने हमारा उत्साह को चौगना करने वो भी पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, सीमा सुरक्षा बल को। बोले सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद। सीमा सुरक्षा बल बोलो भैरवनाथ भगवान की जय। ओम माधवेन्द्र मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु ते। जय तुम देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तु ते। एक मिनट जी मेरे पास आ जाना। आप बैठ शुरू करें संजीव, बैठ शुरू आप यात्रा में।
साथ ज्यादा तालियों से। विजय प्रकाश जी बैग डालने को बुला दे, इसे एक हेड को बुला लो। आकाश सेल्फी बाद में, ओ बहन सेल्फी बाद में, सब सुन लीजिए बात। देखा कितनी देर तक बजाते हैं और ज्यादा समय नहीं हमारे पास, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप कलश यात्रा। दोस्तों आप निकलेगी यहाँ से कलश यात्रा और एक चक्कर काट के फिर यही आएगी, तो अभी कलश यात्रा आती है फिर देखते हैं साथ चलते हैं। राम राम सीता, कीर्तन मंडली नहीं मेरी मम्मी भी कलश यात्रा। बहुत टफ होता है वैसे, इतने पूरे एक चक्कर काटना है बहुत बड़ा और पूरे कलश के साथ और उसमें पानी भी भरा हुआ है, तो थोड़ा सा टफ तो होता ही है लेडीज़ों के लिए क्योंकि आदत नहीं होती, गढ़वाल में रहते तो इनकी आदत बनी रहती है। पर कोई नहीं, बिना टफ के आशीर्वाद भी नहीं मिलता, कृपा भी नहीं होती। जय श्री राम। तो लोग घर से बाहर निकलने के बाद ऐसे फूल बरसाते हैं और अपने राम सीता माता का स्वागत करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ घर और घर जाके आपको बताऊंगा कि मैं क्यों निकल रहा हूँ यहाँ से जल्दी। बहुत लंबी कलश यात्रा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसा जाम सा भी लग जा रहा है, देखो कितना जाम लग गया यहाँ पे और अभी भी ख़त्म नहीं हुई, बहुत आगे तक है, पूरी गली भर जा रही है। घर के लिए निकल रहा हूँ, इतनी दूर आया हुआ था। मैं तो आ गया घर। पापा भी जा रखे थे, पापा मुझसे पहले आ गए।
यार इतनी मस्त कलश यात्रा, मजा आ गया दोस्तों। इतनी अच्छी कलश यात्रा और इतनी बड़ी कलश यात्रा पहली टाइम देखी, और साल में एक बार होती है ये। और मैंने आपको वीडियो में सब चीज़ दिखाई कैसे क्या क्या होता और कितने लोग आए हुए थे। कलश यात्रा को देख के मज़ा आ गया। और दोस्तों वैसे तो मेरा आने का मन नहीं कर रहा था, पर आना था क्योंकि मुझे अभी जॉब में भी निकलना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, जय श्री राम।